हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अपने चैनल के लिए बहुत दिन सोच रहा था कि वीडियो डालूं मोल्ड के रिगार्डिंग, जो आप लोगों को बता सकूं कि मोल्ड होता क्या है, कितने टाइप के मोल्ड होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से टाइप के मोल्ड यूज होते हैं। बेसिकली मोल्ड इंडस्ट्रीज में बेसिकली तीन टाइप के मोल्ड बहुत यूज होते हैं। एक हैंड मोल्ड जो कि छोटे कंपोनेंट के लिए होता है, एक वर्टिकल मोल्ड थोड़े से बड़े कंपोनेंट के लिए होता है जिसमें रनर का फ्लो कम हो या वेट जिसका कम हो, और तीसरा आता है इंजेक्शन मोल्ड, काफ़ी लार्ज मोल्ड होता है, उसकी फिनिशिंग और सबसे अच्छी होती है। मैं आज आप लोग के लिए, अभी मेरे पास मोल्ड तो है हैंड मोल्ड, हैंड मोल्ड के बारे में बताऊँगा नहीं, बट आज मैं जो मोल्ड मेरे पास खुला हुआ है वर्टिकल मोल्ड, मैं उसके बारे में आप लोग को कुछ बता देता हूँ। और शायद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत दिन से सोच रहा था कि डालूँ, तो आज वो पहले वो दिन आ गया, फिर आज मैं मोल्ड के बारे में कुछ आप लोग को बता सकूँ मैं। हाँ, कॉस्टिंग के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर एक मोल्ड का कॉस्ट अलग अलग होता है। अरे, मोल्ड का कॉस्ट क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। जैसे हम लोग स्मॉल स्केल वाले हैं तो हमें मेरे यहाँ का मोल्ड रेट कम होगा, किसी ऊपर में जाओगे तो उससे ज़्यादा कॉस्ट होगा। और डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल बनवाते हो, कैसा उसका इनहाउस कैसा काम है, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड का रेट होता है। तो रेट तो अभी नहीं बताऊँगा, हाँ चलो इन जनरल कभी दूसरे वीडियो में अगर बनाता हूँ उसमें मैं कुछ मोल्ड के प्राइस दे दूँगा कि मोल्ड के ये इस तरह की कॉस्टिंग होती है, जो कि शायद आपको जो किसी और इंडस्ट्री में भी हो तो उन्हें कॉस्टिंग करना थोड़ा आसान होता है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको मोल्ड के बारे में, वर्टिकल मोल्ड के बारे में वीडियो भी दिखा दूंगा मोल्ड का, वो मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये है वर्टिकल मोल्ड, ये 8 कैविटी के मोल्ड हैं। ये हो गया कोर साइड और ये हो गया कैविटी साइड, ये भी कैविटी साइड, इसको बोलते हैं कैविटी साइड, ये होता है कोर साइड। इस मोल्ड में होता क्या है कि जो इसमें स्प्रू बुश नहीं डालते हैं, इसकी जो रनर पॉइंट आप देखोगे साइड से है, रनर काटा हमने साइड से काटा होता है, मतलब जो आप इंजेक्शन मोल्ड में ये चीज़ देखोगे तो सेंटर पे होता है और सेंटर से वो आप उसको गेट पॉइंट खोल सकते हो या चैनल, उसके जो रनर चैनल है वो सेंटर से खोल सकते हो। बट वर्टिकल मोल्ड में क्या होता है, ये साइड से होता है, इसमें स्प्रू बुश नहीं लगता है। बाद में कि सब कुछ सेम सब कुछ होगा, इसमें स्पेसर भी होगा, स्पेसर हो गया, स्पेसर भी है, इंजेक्टर पिंस भी लगे हुए हैं, इंजेक्टर पिंस भी लगे हैं, रिटेनर भी लगा हुआ है, बैक प्लेट भी लगा, मतलब सारा कुछ होगा, पिलर्स भी लगे हैं, सब पिलर से लगे हैं, सारा कुछ होगा। बट इसमें एक चीज़ नहीं होगा, जो है स्प्रू बुश नहीं होगा। बाद में किस मोल्ड में आपको सब कुछ होगा, सिर्फ स्प्रू बुश नहीं होगा इस मोल्ड में। तो ये वर्टिकल मोल्ड है, इसको वर्टिकल मोल्ड बोलते हैं कि वो हमने अभी ट्रायल किया है, वो इसका एक प्रोडक्ट है, ये इस तरह से आते हैं, इसमें लगा रहा है, आप इसको हाथ से इंजेक्टर से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये वर्टिकल मोल्ड होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन मोल्ड के बारे में बताऊंगा, इंजेक्शन मोल्ड होता है बेसिकली, मैं इंजेक्शन मोल्ड ही बनाता हूं, बट अभी वर्टिकल मोल्ड खुला हुआ था मेरे पास, तो मैंने वर्टिकल मोल्ड के बारे में ही आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंजेक्शन मोल्ड के बारे में बताऊँगा।